अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बेयर्स लैम्बर्ट लॉ। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अगर न्यूमेरिकल बेयर लैम्बर्ट लॉ का रेलिवेंट आता है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो मैं चंद एक बातें बताऊंगा। दो फार्मूले याद रख लो, आप रेलिवेंट जो भी बेयर लैम्बर्ट लॉ के रेलिवेंट न्यूमेरिकल आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वो दो फार्मूले ये हैं, एक तो है बेयर लैम्बर्ट लॉ का, वो है ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, और एक है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस। ये दो फार्मूले याद रख लो बस। अब यहाँ से ना आप ट्रांसमिटेंस का निकाल सकते हो, यानी इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करो तो हमारे पास बन जाएगा ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस ए। ये भी याद रखिएगा, यानी कि माइनस को पहले इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दे माइनस ए लॉग ऑफ टी, लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ माइनस ए बन जाएगा। ये ट्रांसमिटेंस का फार्मूला है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें कहता है कि अगर हमारे पास एब्जॉर्बेंस हो 0.035 तो आपने बताना है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कितनी होगी। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछी है। चलो जी परसेंटेज तो बाद की बात है, पहले ट्रांसमिटेंस निकालनी है। ट्रांसमिटेंस निकालने का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी। अगर टी ट्रांसमिटेंस निकालनी है तो एंटी लॉग ले लो माइनस ए का, यानी एब्जॉर्बेंस का एंटी लॉग ले लो, तो हमारे पास ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ माइनस ए। सही, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस ए क्या है, माइनस 0.035। अब इसका देख लेते आंसर क्या आता है। एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.035 और ये हमारे पास आंसर आया इसका एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.035 इसका आया जी 0.92। ये इसकी ट्रांसमिटेंस है, ये इसकी क्या है ट्रांसमिटेंस है। लेकिन एग्जामिनर ने ट्रांसमिटेंस नहीं पूछी, उसने पूछा जी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस कितनी है। देखो जी परसेंटेज जब भी निकालनी पड़ जाए तो आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.92 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 92%। क्या आएगा 92%। अब इसी का ना एक और एक्सटेंशन है, इसी न्यूमेरिकल की मैं कहूँगा ये एक्सटेंशन है। अगर कहता जी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस डबल हो जाए तो ट्रांसमिटेंस कितनी होगी। सही, इफ एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू अब जो एब्जॉर्बेंस है मैं कहता हूँ सपोज किया ये 2a के बराबर होगी है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। 2a का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जो हम इसको एब्जॉर्बेंस को a प्राइम का नाम दे देते हैं 2a, a हमारे पास ये वाली है 2a क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाली इक्वेशन के हवाले से बता रहा है। अगर हमारे पास एब्जॉर्बेंस डबल हो जाए तो फिर ट्रांसमिटेंस बताओ क्या होगी। a क्या है 0.035 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.07 आई थिंक, चेक कर लेते मल्टीप्लाई करके, ये 0.035 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास 0.07 ही है। अब क्या करो वही फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस ए एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.07। अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसमिटेंस आ जाएगी, क्या आएगी एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.07 और ये आ जाएगी 85% होगी। वैसे 0.85 आई है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालो क्योंकि हमने परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास 85% आ जाएगी। लो जी ये एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है।
किसके रेलिवेंट है, ये भी हमारे पास लैम्बर्ट बियर ला के रेलिवेंट है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। मैं कहता जी हमारे पास एक वैल्यू है एब्जॉर्बेंस की, ए हमारे पास बराबर है 0.494। आपने बतानी इसमें परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, व्हाट विल बी द फार्मूला। सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला मैंने बता दिया ऊपर, ट्रांसमिटेंस अगर निकालनी हो सबसे पहले ट्रांसमिटेंस निकलेगी, फिर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकलेगी। ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस ए, एब्जॉर्बेंस का माइनस वाला एंटी लॉग ले लो तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस ए की वैल्यू है 0.494। यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.494 और हमारे पास आंसर आएगा इसका 32। क्या हमारे पास आंसर ट्रांसमिटेंस कितनी आएगी, 32। अगर इसको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में चेंज करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 × 100, देन द आंसर विल बी 32%। ले जी हमारे पास नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल था। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे पास अगर एब्जॉर्बेंस है, अगर मेरे पास एब्जॉर्बेंस आ जाती है 0.104 तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या होगी, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ट्रांसमिटेंस का, ट्रांसमिटेंस विल बी इक्वल टू, फार्मूला एक याद रखो बस, एंटी लॉग ऑफ माइनस ए, एंटी लॉग ले लो नेगेटिव एब्जॉर्बेंस का तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.104। तो जब ये 0.104 का एंटी लॉग लेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा 78.0.787। ये हमारे पास आएगा ट्रांसमिटेंस। अगर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 787 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ और ये हमारे पास 78.7% आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 78.7%, ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ गई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लैम्बर्ट बियर ला के रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना चंद एक चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, अब लैम्बर्ट बियर ला को यूज़ करके ये चीज़ें कैलकुलेशन करनी, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्स की जो वैल्यू है या एल की जो वैल्यू है लेंथ, वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन की वैल्यू मौजूद है जो हमें एग्जामिनर ने प्रोवाइड किया हुआ है 1.47 × 10⁴। इसके बाद हमारे पास एब्जॉर्बेंस की जो वैल्यू है यह है 0.3675 और लास्ट में हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है। कि सी की वैल्यू आपने कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की मालूम करनी है जिसके अंदर ये चंद एक चीज़ें दी गई है। देखो हमें पता है जी फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, यहाँ से मालूम क्या करना है, सी मालूम करना है तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन ए ओवर एप्सिलॉन एल। वैल्यूज को पुट कर दो, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए हमारे पास है 0.3675, एप्सिलॉन की वैल्यू मौजूद है 1.47 × 10⁴ और लास्ट में हमारे पास आ जाती है एल है हमारे पास 1। इन सारी वैल्यूज को आप कर लो मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बनेगा 0.3675 डिवाइडेड बाय 1.4700 और ये आंसर आएगा हमारे पास 2.5 × 10⁵ ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, इतने मोलर सॉल्यूशन होगा। ले जी ये हमारे पास चंद एक न्यूमेरिकल थे, ये अगर और भी न्यूमेरिकल आपको आए मैं भी आपको ये भी दे सकता है। इनमें से देखो चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, एक चीज़ मालूम करनी पड़ेगी, एक चीज़ क्या करनी पड़ेगी मालूम करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट फार्मूले के अंदर पुट करो उस चीज़ को मालूम कर लो। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये एक मिनट ये लें,